सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज बीका मारे और अपने यूट्यूब चैनल में वापस स्वागत है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले CBSE के बेस्ट ऑफ आइदर डम को लेकर एक काफ़ी बड़ी एक ट्विटर स्पेस चल रही, जिसके अंदर वो काफ़ी देर तक काफ़ी बड़े बड़े लीडर बातचीत कर रहे थे क्यों बेस्ट ऑफ आइदर टर्म होना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपनी प्रॉब्लम बताई और हर एक बच्चे की प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन थी। हर कोई अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख रहा था और देखा जा रहा है कि धीरे धीरे करके अब बच्चे सीरियस हो रहे हैं। देखो गाइस, मैं सभी को एक ही बात बोलना चाहूँगा, सभी को, सिर्फ एक बच्चे को नहीं, सबको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग सारे वीडियो को शेयर करो। देखो गाइस, शेयर करने में बहुत पावर होती है। आप लोग अगर ट्वीट नहीं कर सकते, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्टिव वाइज बेस्ट ऑफ आइदर टर्म काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप लोगों के परसेंटेज को, रिजल्ट को बदल सकते। देखो गाइस, वैसे तो क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट कहीं यूज़ नहीं होती, बट आपको सेटिस्फैक्शन देगी यही मार्कशीट, क्योंकि जिन बच्चों के 95 प्लस बन सकते हैं बट उनके टर्म वन के अंदर परफॉर्मेंस ख़राब की वजह से ऐसा नहीं होगा, और जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं लेकिन उनका टर्म वन ख़राब हुआ है तो वो नहीं हो पाएगा। तो यार देखो, सब्जेक्टिव वाइज बेस्ट वाइज टर्म से सबका बेनिफिट है। तो आप लोगों से अपील है, आप लोग वीडियो को शेयर भी करो और बड़े अमाउंट में इसी तरीके से करते रहो ट्वीट लगातार। तो अपने फैमिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आ सिंह फिर सेफ रहो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।